सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी के अंदर आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। जब भी आप किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं किसी भी प्लॉट के ऊपर, तो क्या आप उसके अंदर अनलिमिटेड फ्लोर बना सकते हैं, या आप उस बिल्डिंग को कितना भी ऊंचा बना सकते हैं, या आप उस लॉट के ऊपर 100% कवर कर सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे अगर हम ये जान लें कि फ्लोर एरिया रेशियो आखिर क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स में क्या फर्क होता है, फ्लोर एरिया रेशियो किस तरीके से किसी भी एरिया का डिसाइड किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको भी ये कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। तो चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। जब भी आप कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं किसी भी प्लॉट के ऊपर, तो आप उसके ऊपर टोटल कितना कवर्ड एरिया बना सकते हैं, टोटल कवर्ड एरिया, ये डिटरमाइन होता है आपका फ्लोर एरिया रेशियो से। अब ये जो FAR होता है किसी भी लोकेलिटी का या किसी भी सिटी का, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है, ये जनरली गवर्नमेंट फिक्स करती है इसको, अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट फिक्स करता है। और ये किन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले हम फ्लोर एरिया रेशियो के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो फ्लोर एरिया रेशियो का डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट इज द रेशियो ऑफ अ बिल्डिंग्स टोटल कवर्ड एरिया टू द साइज ऑफ द प्लॉट ऑन विच इट इज बिल्ट। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो आप किसी भी बिल्डिंग का टोटल कवर्ड एरिया है जितने भी सारे फ्लोर्स का मिला के, उसको आप अगर उसके प्लॉट के साइज से डिवाइड कर देते हैं तो आपको FAR मिल जाता है। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में चार फ्लोर हैं और हर फ्लोर का साइज जो है 5000 स्क्वायर फीट है, और मान लीजिए टोटल प्लॉट का जो एरिया है वो 10000 स्क्वायर फीट है, तो आपका FAR जो हो जाता है वो 2 हो जाता है। और इसको कई जगह पे एज अ परसेंटेज भी डिनोट किया जाता है, तो ये आपका 200% भी हो सकता है, जिसे शॉर्ट में 200 भी लिखा जाता है काफ़ी जगहों पे। तो अगर कहीं पे 200 का FAR है तो दैट मींस कि वहाँ की जो रेशो है वो 2 है, तो आप 2 गुना कवर्ड एरिया वहाँ पे बना सकते हैं अपने प्लॉट के ऊपर। और कहीं पे मान लीजिए 150 का FAR है, दैट मींस कि वहाँ पे जो रेशो है वो 1.5 की है और आप 1.5 गुना कवर्ड एरिया वहाँ पर बना सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल में और समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी जगह का FAR जो है वो 50 है, तो उसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये टोटल प्लॉट का एरिया 10000 स्क्वायर फीट है, तो इस केस में आप 50% स्पेस खाली छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने 5000 स्क्वायर फीट खाली छोड़ दिया और 5000 स्क्वायर फीट के अंदर आपने सिंगल स्टोरी बना दिया, तो आपका FAR जो होगा वो 5000 स्क्वायर फीट ऑफ बिल्ट अप स्पेस दिस वन डिवाइडेड बाई 10000 स्क्वायर फीट ऑफ टोटल प्लॉट एरिया हो जाएगा। तो ये आपका 0.5 या फिर 50% के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप 75% स्पेस खाली छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने 7500 स्क्वायर फीट स्पेस खाली छोड़ दी और आपने 2500 स्क्वायर फीट के अंदर 2 स्टोरीज बना दिए, तो भी आपका जो FAR है वो 2500 × 2 डिवाइडेड बाई 10000 हो जाएगा, तो भी आपका वो 50% FAR निकल के आ जाएगा। और अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें, मान लीजिए आपका 200 FAR है, तो उस केस में आप मान लीजिए 100% बनाना चाहते हैं, तो 10000 स्क्वायर फीट हो जाता है बिल्ट अप स्पेस इंटू 2, तो आपका FAR जो होगा वो 10000 × 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10000 स्क्वायर फीट ऑफ प्लॉट एरिया, तो आपका वो दोबारा से 2 FAR के बराबर आ जाएगा या 200% FAR हो जाएगा। तो इसमें आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप 5000 स्क्वायर फीट मान लीजिए खाली छोड़ देते हैं और बाकी के 50% में 5000 स्क्वायर फीट इंटू 4 स्टोरीज बनाते हैं, तो भी आपका जो FAR है वो 5000 × 4 डिवाइडेड बाई 10000, वो भी आपका 2 FAR हो जाता है, दैट मीन्स 200% FAR हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि FAR तो कैलकुलेट हो गया है यहाँ पे, बट FAR एक्चुअली आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वो तो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से।
तो एफएआर का जो मेन पर्पज है वो होता है टोटल कवर्ड एरिया निकालने के लिए। तो आपको मान लीजिए किसी जगह का एफएआर मालूम है और आपको अपना टोटल एरिया मालूम है प्लॉट का, तो आप टोटल कवर्ड एरिया कितना बना सकते हैं अपनी बिल्डिंग का, ये आपको आसानी से पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफएआर उस एरिया का 2 है और आपका टोटल प्लॉट का एरिया 10,000 स्क्वायर फीट है, तो आप वहां पे 20,000 स्क्वायर फीट का टोटल कवर्ड एरिया बना सकते हैं। अब ये जो 20,000 स्क्वायर फीट का टोटल कवर्ड एरिया है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दो फ्लोर 100% कवर करके बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको दूसरे भी रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। मान लीजिए कितना सेटबैक छोड़ना है, आगे कुछ जगह छोड़नी हो सकती है, पार्किंग के लिए कुछ जगह छोड़नी पड़ सकती है, तो ये भी सारे रेगुलेशंस होते हैं, कुछ हाइट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उन रेगुलेशंस के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। उससे पहले मैं एफएआर और एक साथ में एफएसआई के बारे में भी एक थोड़ा सा कंपैरिजन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो एफएआर जो होता है वो होता है आपका फ्लोर एरिया रेशो, और एक और टर्म होती है जिसका मतलब भी सेम ही होता है, वो होती है आपकी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। एफएसआई की फुल फॉर्म होती है आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो एफएसआई और एफएआर का एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। एफएसआई भी आपका टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लॉट होता है, बट खाली डिनोशन का फर्क होता है कई जगहों पर। एफएआर जो होता है वो एज अ परसेंटेज डिनोट होता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली के अंदर एफएआर टर्म यूज होती है, तो आपका दिल्ली का जो एफएआर है वो 120 से लेके 400 तक वेरी करता है। तो ये एक तरीके से आपका 120% और से लेके 400% हो गया। और एफएसआई जो होता है वो एक प्लेन इंडेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, बेंगलोर के अंदर एफएसआई यूज होता है, और बेंगलोर का जो एफएसआई है वो 1.75 से लेके 3.35 तक वेरी करता है। तो ये जो हायर एफएसआई है या हायर एफएआर है, ये ऐसी जगहों पे होता है जहां पे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और पॉपुलेशन काफी हाई है, उन जगहों पे एफएआर या एफएसआई थोड़ा सा हाई रखा जाता है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि फ्लोर एरिया रेशो आखिर क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है और एफएसआई से वो कैसे कंपेयर होता है। अब हम जान लेते हैं कि आपको बाकी के कौन से रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने होते हैं एफएआर के अलावा जब आप किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, एफएसआई या एफएआर तो आपको एक फॉलो करना ही है हर एरिया का। इसके साथ साथ आपको आगे या पीछे या साइड में कुछ जगह छोड़नी पड़ सकती है जिसको हम सेटबैक बोलते हैं, तो ये वाले रिक्वायरमेंट्स भी आपको जरूर देखने होते हैं। फिर आप टोटल ग्राउंड का कितना एरिया कवर कर सकते हैं, इसका भी एक रेगुलेशन होता है। आपको मान लीजिए पार्किंग के लिए कुछ स्पेस छोड़ना है, या कई जगहों पे हाइट की रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो ये वाले सारे भी आपको रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि फ्लोर एरिया रेशियो गवर्नमेंट आखिर कैसे डिसाइड करती है। तो फ्लोर एरिया रेशियो 3-4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें एक फैक्टर आ जाता है आपका करंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी या पर्टिकुलर लोकेलिटी। तो मान लीजिए किसी एरिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे फ्लोर एरिया रेशियो जो है, मान लीजिए अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा दिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, वर्टिकल डेवलपमेंट। और मान लीजिए किसी जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है, अगर मान लीजिए करंट पॉपुलेशन तो कम है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ काफी हाई है, जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं मे बी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वहां पे भी एफएआर गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एफएआर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है तो वहां पे एफएआर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी जगह पे कम है तो वहां का जनरली गवर्नमेंट एफएआर जो है वो भी कम रखती है। तो अगर मैं नटशेल में बोलूं तो एफएआर जब बढ़ता है किसी भी जगह का, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लग जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दैट मींस कम एरिया के अंदर ज्यादा लोग रहेंगे तो उसमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ेगा। तो जब भी गवर्नमेंट एफएआर बढ़ाती है तो साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना आपके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या पावर या वाटर के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ने लग जाता है। तो एफएआर इंक्रीज होता है तो आपकी पॉपुलेशन इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और साथ के साथ वर्टिकल डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जाता है जब एफएआर बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज कुछ इंटरेस्टिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।